अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये जो सोच मुझे सता रहा है ना, ये सोच मेरी तरह बहुत सारे जीएनएम कॉम्प्लीटेड एक नर्स को सता रहा है। क्या सोच है कि हम लोगों को जीएनएम तो कॉम्प्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट क्या करना है। ये जो नेक्स्ट है ना, NEXT, ये जो नेक्स्ट एक 4 अल्फाबेट का वर्ड है, ये बहुत ही सता रहा है सभी को। कुछ लोगों को मन में आ रहा है कि हम लोगों को आगे स्टडी करना चाहिए, या फिर हम लोगों को अभी इनिशियल स्टेज में एक जॉब करके सेटल होकर फिर स्टडी के लिए आगे बढ़ना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि एक जेएनएम कॉम्प्लीटेड स्टाफ नर्स के लिए कौन सा सही रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और लास्ट तक आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वॉचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलता रहेगा वीकली। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जीएनएम कॉम्प्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है। हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक तो है स्टडी, दूसरा है हमारे पास कोई जॉब। सबसे पहले मैं स्टडी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये उतना ज्यादा हम लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है जीएनएम के बाद। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है पोस्ट बीएससी। अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि पोस्ट बीएससी क्या हम लोग जीएनएम के बाद ही कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जीएनएम के बाद जो पोस्ट बीएससी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग अपना फ्यूचर को बहुत आगे देख रहे हैं, कि उन लोग बस एक जीएनएम के बाद जो छोटा मोटा जॉब है जहां पे आप लोगों को 20-25 हजार के अंदर वो लोग रहना नहीं चाह रहे, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। या फिर अगर आप टीचिंग साइड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट बीएससी, क्योंकि आप जीएनएम कंप्लीट करने के बाद कोई भी एक रजिस्टर्ड ट्यूटर की तरह, कोई भी जो हॉस्पिटल है, जो मतलब कि बड़ा हॉस्पिटल है जहां पे एक ट्यूटर की तरह लिया जाता है, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते एज ए ट्यूटर, आप वहां पे टीचिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मास्ट पोस्ट बीएससी कंप्लीट होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप जीएनएम जो स्टूडेंट है उन लोगों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनेंगे, ठीक है। बाकी पोस्ट बीएससी 2 साल का जो आपका कोर्स होता है, जीएनएम के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। बट आंध्रा का जो भी बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे मत लेना। मैं आप लोगों के पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों के पास एक बहुत ही जल्द एक वीडियो आएगा जहां पे बेंगलोर का और आंध्रा का जो कॉलेज का डिफरेंस है, बोर्ड का जो डिफरेंस है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप पोस्ट बीएससी में एडमिशन लेते हो तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। पोस्ट बीएससी के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन चूज कर सकते हो, आप कोई भी स्पेसिफिकेशन कोर्स के ऊपर जा सकते हो, जैसे कि आईसीयू टेक्नीशियन, उसके बाद हो गया ओटी टेक्नीशियन, कोई भी एक स्पेसिफिकेशन कोर्स कर सकते हो बीएससी के बाद, या फिर आप टीचिंग साइड में जा सकते हो, या फिर आप कोई भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जहां पे बीएससी नर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को बीएससी के बारे में, पोस्ट बीएससी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इन डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है जॉब, यहाँ पे जॉब में 2-3 तरह का ऑप्शन रहता है, ठीक है। सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ लेना, जॉब में हम लोगों के पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है प्राइवेट जॉब, एक ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब, और थर्ड जो ऑप्शन है एक है वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। बट मैं इसको इसीलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जॉब है ये हर एक जो स्टेट है उधर उधर अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो करता है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल में आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों का जीएनएम कंप्लीट या फिर बीएससी पोस्ट बीएससी कंप्लीट होना मस्ट है। उसके साथ साथ आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए वेस्ट बंगाल पे आप लोगों का वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए आपका जो स्टेट है उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा यानी कि जीएनएम या फिर बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी कोई भी डिग्री है। अभी पीछे से मैं बात करता हूँ, अभी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब यानी कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का जॉब पाना चाहते हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरह ही, आपका जो स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही मैंडेटरी है, वो बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे कि एम्स हो गया यानी कि नॉर्थ स्टेट,
या फिर JIPMER, PGIMER, ESIC, कोलकाता चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट, ये सब जो बड़ा बड़ा जो एक रिनाउन क्या बोलते हैं नाम है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का नाम है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो GNM के बाद, आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, आपके पास आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगर आप पोस्ट BSc करते हो, क्योंकि अगर आप GNM के बाद ही पोस्ट BSc कर रहे हो तो आपके पास वहां पे 2 साल हो गया, 2 साल में आपका पोस्ट BSc कंप्लीट हो जाएगा, और पोस्ट BSc के बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के अप्लाई के लिए आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। तो 2 साल में आपका एक डिग्री भी हो जाएगा, आपका जो डिप्लोमा से आप डिग्री हो जाओगे, आप ग्रेजुएट हो जाओगे, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अभी जो सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा लाखों भरे पड़े हैं हॉस्पिटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अपना स्टेट में ही करना है ऐसा नहीं है, आप कोई भी स्टेट में जाके अप्लाई कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। अगर आपको जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मेरा जो पिछला जो वीडियो है वहां पे जाके देख सकते हो, हैदराबाद में ऐसा कुछ मैं वीडियो बना के रखा हूं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब कर सकते हो, वहां पे एक अच्छा खासा सैलरी, मतलब कि रेस्पेक्टेड एक सैलरी मिल जाता है, जैसे कि 18-20,000 के अराउंड आपको मिल जाता है। अगर दिल्ली के साइड जाओगे तो आपको 20-23,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगा। बट आप ये जो GNM के बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक डिप्लोमा कोर्स है, आप ग्रेजुएट नहीं हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम लोग वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं, तो मेरा जो ओपिनियन है आप लोगों से शेयर करता हूं, अगर आप GNM कंप्लीट कर लिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा खासा है, मतलब कि 2 साल का जो कोर्स है वो आप मतलब कि कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप मेरा मानो तो BSc में यानी कि पोस्ट BSc में कोई भी एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट देख के एडमिशन ले लो, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। आपका 2 साल भी यहाँ पे जॉब करते करते आपका वहां पे पोस्ट BSc भी खत्म हो जाएगा, जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आप एक एलिजिबल हो जाओगे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर आप मेरा बात सुनना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर किसी किसी का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहता है तो आप लोग प्राइवेट सेक्टर में 1 साल या फिर 2 साल काम करके फिर पोस्ट BSc कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आने वाले दिन में BSc एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री होगा, जैसे कि पहले था कोई GNM का नाम नहीं था, ओनली BSc था, वैसा ही सेम टू सेम होने वाला है, क्योंकि GNM में इतना स्टूडेंट बढ़ रहा है कि GNM के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, ये आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और थैंक यू, बाय बाय।